जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो उन्होंने परम पिता ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से मना कर दिया था और यह कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा पृथ्वी पर अवतार नहीं लेगा। तब सारे देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला था कि धर्म की रक्षा करना हम सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए तुम और तुम्हारा पुत्र अपने इस कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकते हो? देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी थी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र वर्चा ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में ही जन्म लेगा और वह भगवान कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त होगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की प्रशंसा की जाए। इसके साथ ही चंद्रमा ने यह शर्त भी देवताओं के सामने रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरु वंश का उत्तराधिकारी होगा। देखा जाए तो पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, इसलिए नियम अनुसार ही उन्हें राजा बनाया गया था और नियम अनुसार युधिष्ठिर का ही ज्येष्ठ पुत्र उनके राज्य तथा उनके वंश का उत्तराधिकारी हो सकता था। और फिर अर्जुन का पुत्र उस वंश का उत्तराधिकारी कैसे बन सकता था, क्योंकि अर्जुन से बड़े तो महाबली भीम थे। परंतु चंद्रमा के इस हट के कारण सारे देवता विवश हो गए थे और उन्होंने चंद्रमा की सारी शर्तें मान ली थी। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था और द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना तीनों लोकों में प्रशंसनीय पराक्रम दिखाकर अल्प आयु में ही वीरगति को प्राप्त हो गया था।